लोकसभा चुनाव के अंदर सबकी नजर बनी हुई है कि कौन बनेगा देश के अंदर प्रधानमंत्री, और ये बहुत गहरा विषय है और यहाँ पर देश ही नहीं प्रदेश के अंदर और देश विदेश के अंदर बना हुआ है कि आज सबकी नजर है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तीसरे चरण के मतदान हो चुके हैं जिसपे 117 सीटों पे मतदान हुए हैं, थर्ड फेज के अंदर मतदान हुए हैं जिसमें 65% वोट पड़े हुए हैं। सभी रिपोर्ट्स हमारे चैनल पे हैं और हमने सभी एनालिसिस करवाई हैं कि किस पे कहाँ पे किसको कितना वोट मिल रहा है। लगभग जातिकरण समीकरण के आधार पर भी हम लोगों ने रिपोर्ट्स तैयार करे हैं। और तीसरे चरण की अगर बात करें तो इसके अंदर भी बहुजन समाज पार्टी को बहुत अच्छे स्तर पर वोट मिल रहा है। जो वोटिंग है वो जाति आधार पर भी है और मतगणनाओं के आधार पर भी है, जो हमारे सर्वे हुए हैं उसके आधार पर भी है। तो तीसरे चरण के अंदर बहुजन समाज को बहुत अच्छा वोट जा रहा है, गठबंधन को बहुत अच्छा वोट जा रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर निखर कर आ रही हैं बहन कुमारी मायावती। हमारे रिपोर्टर्स ने जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ पे सर्वे करा और उन्होंने सभी जनता ने, यूपी की जनता ने खासतौर से अधिकतर गठबंधन को मोहर लगाई है। और अगर हम लोग बात करें मोदी सरकार की तो मोदी गवर्नमेंट का, मोदी को आपने देखा होगा कि उन्होंने दक्षिणी जो भारत है उस पर पूरा अपना सर्वे रखा है और उसका एक कारण है कि उत्तर प्रदेश उनको कहीं ना कहीं खुद बीजेपी को कमजोर नजर आ रहा है। बहुत बड़े टाइम से अधिकतर सपा कभी आती रही है कभी बसपा आती रही है, लेकिन कभी भी कांग्रेस भी आई है और बीजेपी भी आई है लेकिन 2-4-5-7 सीटों पे सिमट जाती हैं। और जो जातिकरण समीकरण है या बसपा का और सपा का जो वोटर है बहुत स्ट्रांग वोटर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कहीं भी बहकावे में नहीं जाता है। जो वोटर इस तरीके बहकावे का होता है वो थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन जो समीकरण ज्यादा नजर आते हैं वो गठबंधन के नजर आ रहे हैं। जब हमारी एसएम न्यूज की टीम जगह जगह सर्वे करने गई तो वहां पे जनता ने बोला कि हम जो वोट देंगे वो काम के आधार पे देंगे और काम जो है वो सपा और बसपा का लोगों ने सराहा। और जब बीजेपी की बात हमने पूछी उनसे तो उन्होंने बताया कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देनी थी, 50% कर्ज किसानों का माफ करना था, काला धन विदेशों से भारत में आना था और 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट्स में आने थे, सबके खातों में आने थे, तो नहीं आ पाए हैं सारे के सारे। तो लोग इस वक्त थोड़ी सी नाराज है बीजेपी गवर्नमेंट से। वहीं कांग्रेस भी अपने दाव पेच पूरे चल रही है कि 72,000 हम लोग उनको सालाना देंगे गरीब जरूरतमंद लोगों को, लेकिन पहले लोग समझ चुके हैं कि ये जो प्रलोभन है ये सिर्फ जुमलेबाज है और कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त जो तीसरे चरण की वोटिंग है उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा वोटर्स निकल के आ रहा है वो गठबंधन की तरफ निकल के आ रहा है और गठबंधन बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर निखर कर आ रहा है। तो देश के अंदर लगता है कि जो गठबंधन है वो बिना गठबंधन के सरकार बनाना बहुत मुश्किल है इस वक्त किसी भी पार्टी का, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें हैं जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जो सभी सीटें जा रही हैं वो गठबंधन को अधिकतर जा रही हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी 1 या 2 सीट से ज्यादा भी ना निकाल पाए उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।